मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, कैसे हैं आप सभी? देखिए, कल हम कहाँ तक कर चुके हैं? सेवेंथ क्वेश्चन तक कर चुके हैं, जिसमें एलसीएम एंड एचसीएफ आपको दोनों निकालने थे डिवीजन मेथड से। आज हम करते हैं एथ क्वेश्चन। सोल्व द फॉलोइंग, हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। टू कंटेनर हैव 16 लीटर एंड 24 लीटर ऑफ ऑयल रिस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट कंटेनर में 16 लीटर, सेकेंड में 24 लीटर। वट इज द लार्जेस्ट मेजरिंग? लार्जेस्ट मेजरिंग मतलब हमें ऐसा मल्टीपल निकालना है दोनों का, जिससे क्या हो सकते हैं, क्या हो जाए, दैट कैन एग्जैक्टली मेजर ऑयल फ्रॉम बोथ द कंटेनर, जो एग्जैक्टली उनको मेजर कर सके। तो हमें क्या बताना है? एलसीएम ही बताना है। ओके, कंफ्यूजन नहीं है, लार्जेस्ट बताना है, लार्जेस्ट वर्ड है बस, लेकिन हमें इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। ओके, तो एलसीएम देखिए आप कैसे निकाल सकते हो, डिविजन मेथड से निकाल सकते हो। आपको दी है 16 लीटर एंड 24 लीटर, ये दो से डिविजिबल है, राइट? तो ये कितना आता है 8, ये आता है 12, फर्दर डिवाइड कीजिए 4, ये आता है 6, फर्दर डिवाइड कीजिए 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पर हमें लास्ट रो में क्या मिला, सारे प्राइम नंबर मिल गए, तो इनको हम एलसीएम निकालते वक्त कैसे लिखते हैं? एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तीनों लिए और साथ में ये दोनों लिए, 2 इंटू 3। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 दैट बिकम्स 48। तो हमें किस चीज़ में यूनिट दी हुई है? लीटर में ना, तो ये क्या हो जाएगा? लीटर, 48 लीटर, ठीक है? तो एग्जैक्टली लार्जेस्ट मेजरिंग क्या होगी? 48 लीटर्स होगी। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए, वट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ अ रूम इन विच एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टेबल्स ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड 9 मीटर कैन फिट। आपको स्मॉलेस्ट लेंथ बतानी है रूम की, जहां पर 9 मीटर का और 12 मीटर का दोनों तरह की टेबल एडजस्ट हो जाएंगी। तो देखिए लेंथ बतानी है, वही एलसीएम ही बताना है आपको। आपको क्या करना होगा, डिविजन मेथड से निकाल सकते हो आप। 12 दिया है और 9 दिया है, मीटर में दिया है ना, तो देखिए सबसे पहले 3 से डिविजिबल होगा, ये आया 4, ये आया कितना 3। अभी देखिए ये 3 है, कंपोजिट नंबर को हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास प्राइम नंबर ना आ जाए। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 प्राइम नंबर आ गया, 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर था। तो देखिए फैक्टर जो बनते हैं उनको लिखिए, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36, 36 मीटर्स। ओके, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू प्राइम्स, यानी कि दो प्राइम नंबर्स के सम के तौर पर आपको इनको दिखाना है। अब देखिए 18 शुरू करते हैं 2 से, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2, ए पार्ट हमें दिया हुआ है 18, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि 18 बन जाए, यानी कि 16 जोड़ना पड़ेगा तभी 18 बनेगा ना, लेकिन 16 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है ना, हमें दोनों प्राइम नंबर चाहिए ना, तो हमें फिर से आगे चेक करना होगा, 3 प्लस कितना करूं कि मेरा 18 आए, 15 ऐड करना पड़ेगा तभी जाके 18 आएगा, लेकिन 15 फिर से एक कंपोजिट नंबर है। तो देखिए आगे कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5 आता है, 5 प्लस कितना करूं? 13 करूं तभी मेरा 18 आएगा। अब देखिए 5 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। इसी तरीके से आप ऐड करके चेक कर सकते हो कि आपके कितने ऐसे प्राइम नंबर के पेयर बनते हैं, जैसे कि 7 प्लस कितना करूं कि मेरा 18 बने, 11 करती हूं तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है ना। इस तरीके से दो पेयर बन गए, राइट? इस तरीके से हमारे दो पेयर बन गए जिनमें प्राइम नंबर का सम कह सकते हैं, 5 13 एंड 7 11। तो दीज आर टू प्राइम नंबर्स पेयर विच फॉर्म 18। ओके, अभी देखिए बी पार्ट आपको क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। तो वही चीज है, सबसे पहले 2 से चेक करिए, 2 प्लस कितना करूं कि 50 आए? 48 करना पड़ेगा। अब देखिए 48 एक कंपोजिट नंबर है, 3 ऐड कीजिए, 3 प्लस कितना करूं कि 50 आए? 47 ऐड करूं तभी जाके 50 आएगा। 47 क्या है? एक प्राइम नंबर है ना, 3 भी प्राइम नंबर है और 47 भी प्राइम नंबर है, राइट? तो क्या होगा,
एक पेयर हमें मिल गया 347। अब आगे इसी तरीके से आप कंटिन्यू करके देख सकते हो, आपको बहुत सारे पेयर्स मिल जाएंगे प्राइम नंबर्स के। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए 34। वैसे ही चेक कीजिए 2 प्लस कितना करूं, 32 करूं तभी जाके 34 होएगा। 2 प्लस 32 दैट बिकम्स 34, बट 32 इज अ कंपोजिट नंबर। 3 प्लस कितना करूं कि 34 आए, 31, 34 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ओके, आपके पीछे आंसर जो बुक में दिए हुए हैं वो किसी एक पेयर को लेके दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आप वही पेयर लिखो, आपको सिर्फ दो प्राइम नंबर्स का पेयर बना के दिखाना है। ऑल दिस इज ऑल यू हैव टू बी डन। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम्स। फर्स्ट इज 9। अब आपको डिफरेंस के तौर पे दिखाना है, ए पार्ट क्या है 9, इनको दो प्राइम नंबर्स के डिफरेंस में दिखाना है। तो सबसे पहले 9 को देखिए, 11 माइनस 2 करती हूं तो कितना आ जाता है 9, 11 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 11 एंड 2। पीछे आंसर में आपको 3 दिया हुआ है विच इज रॉन्ग। ओके, 11 माइनस 3 करोगे तो आपका 8 आता है। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा 11 माइनस 2 करके 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है 24, डिफरेंस कितना आना चाहिए 24, प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस आना चाहिए 24। तो देखिए सबसे छोटा क्या प्राइम नंबर होता है हमारे पास, 2 होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि मेरा सबट्रैक्ट करने के बाद 24 आए, तो मुझे 26 लेना पड़ेगा, 26 माइनस 2 24, बट 26 इज अ कंपोजिट नंबर, तो मुझे कोई और देखना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा थर्ड जो 3 है वो भी एक प्राइम नंबर है, तो कितना ऐसा करूं कि उसमें से घटाने पे 24 बचे, 27 में से 3 घटाती हूं तभी मेरा 24 बचता है, लेकिन 27 इज अ कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट चेक करते हैं, 5 चेक करते हैं, 29 माइनस 5 करती हूं तब जाके मेरा बचता है 24। तो अभी चेक कीजिए 29 इज अ प्राइम नंबर। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, चेक करोगे, आगे भी कर सकते हो, 7 चेक कर सकते हो कि 24 आए, ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि 24 आए, तो 31 में से 7 माइनस करोगे तो आपको 24 मिलेगा विच इज अ प्राइम नंबर पेयर। ठीक है, इस तरीके से पहले आपको ऐड करके देखना था, अभी आपको सबट्रैक्ट करके देखना है, दैट्स ऑल। थर्ड देखिए 40 है, आपको आंसर में एक पेयर दिया होगा, आप कितने भी पेयर खुद से बना सकते हो, डिफरेंस कितना आना चाहिए 40। तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2, तो मुझे 42 में से 2 घटाना पड़ेगा तब जाके मेरा 40 आंसर आता है। 42 माइनस 2, दो प्राइम नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन 42 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 41 माइनस 43 माइनस 3 करती हूं तब जाके मेरा आंसर आता है 40, एंड 43 इज द प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप सबट्रैक्ट करके दिखा सकते हो कि दिस इज द पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस कितना आता है 40 आता है। ठीक है, जिनका डिफरेंस कितना आता है 40। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकाल कर दिखाने हैं। 9th क्वेश्चन में आपको सम बताना है और 10th क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बताना है। ओके, सो होपफुली आप सब अच्छे से करोगे। आप लोग वीडियो चेक नहीं करते हैं, मैंने देखा है आपका बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है आपकी क्लास का, बट आई होप आप सभी चेक करोगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।